अजीब आदमी है भाई, इंडिकेटर इंडिकेटर देना होता है, नहीं होता है ना इंडिकेटर देना है ना ORVM खोल रखे हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सारे लोगों के, मेरे भाई लोगों? तो भाई देखो, कल या परसों के अंदर अंदर ना बजाज ने अपनी NS200 का 2003 वाला जो मॉडल है, 2003 क्या बोल रहा हूँ मैं, 2023 वाला जो मॉडल है उसको लॉन्च करा है। हालांकि मैंने कल ही काफ़ी सारे शोरूम पर पूछा है, एक अपना सलमान भाई का बजाज का शोरूम है, मैंने उधर भी पता लगाया, तो मुझे देखो भाई पता चला है अभी बाइक शोरूम पर नहीं आई है। शोरूम पर आने में अभी कम से कम एक हफ्ते का टाइम बता रहे हैं, एक हफ्ते बाद शोरूम पर आएगी। तो काफ़ी सारे भाई कह रहे भाई NS के ऊपर वीडियो बनाओ, NS के ऊपर वीडियो बनाओ। तो भाई एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, NS में ना बहुत ज़बरदस्त अपडेट नहीं आई है, ठीक है? अपडेट जो आई है नॉर्मल बेसिक सी अपडेट है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हो, NS के बारे में जानना चाहते हो, तो मैंने सोचा कि नॉर्मल जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो चलते चलते आप लोगों से ना बाइक पे ही बात कर लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या मतलब बजाज को और करना चाहिए था, और क्या अभी भी उस बाइक को लेना वर्थ है या फिर नहीं है। और एक ज़रूरी सवाल ये भी कि जब NS में अपडेट आ गया तो क्या RS में भी आएगा? तो उम्मीद तो यही नज़र आती है कि हाँ भाई, जब NS में आएगा तो RS में भी आना तो चाहिए, जैसा एक्सपेक्टेशन हमारी बोलती हैं। सो बात करते हैं NS200 के बारे में, जो 2023 मॉडल है। हालांकि स्क्रीन पर आपको मैं पिक्चर्स वगैरह दिखाता रहूँगा कि क्या सीन सपाटा है, क्या है क्या नहीं है। सो सबसे पहली चीज़ तो देखो भाई, यही बात है कि भाई मतलब इन्होंने जो अपडेट करा है उसमें चेंज करा है, बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम चेंज करा है। अगर आप लोगों ने देखा होगा ना ब्रेकिंग, तो सबसे पहले अगर मैं ब्रेकिंग की बात करता हूँ तो ब्रेकिंग में मेरे को एक चीज़ चेंज नज़र आ रही है, वो है भाई जो इनकी अभी लेटेस्ट बाइक्स आ रही है ना बजाज की, जैसे कि आप लोग देख सकते हो N250 हो गई या फिर F250 हो गई, तो उनके अंदर जिस कंपनी की ब्रेकिंग दे रहे हैं वही सेम ब्रेकिंग अब आप लोगों को NS200 के अंदर भी मिलेगी, फ्रंट के ब्रेक के अंदर भी और रियर के ब्रेक के अंदर भी। साथ के साथ फ्रंट ब्रेक के साथ साथ अब इसके अंदर जो रियर में ABS नहीं था ना NS200 में, जो बहुत बड़ा इसका डाउन साइड लगता था, इनको इसके अंदर रियर में भी ABS देना चाहिए, डुअल चैनल ABS देना चाहिए, जो बजाज नहीं देती थी। वो काम मुझे लगता है बजाज ने बढ़िया कर दिया है कि अब आपको इसके अंदर डुअल चैनल ABS मिला करेगा। सो एक चीज़ जिसके लिए एप्रिसिएशन बनता है बजाज को कि हाँ, इन्होंने यहाँ पे ABS आपके लिए एड ऑन कर दिया है, पहली चीज़ तो ये मुझे अच्छी लगी। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं, दूसरा इन्होंने मीटर वगैरह सेम रखा है, वही सेम सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, मीटर में बस थोड़ा सा अपडेट कर दिया, जैसे RS का और NS का मीटर आता है यहाँ पे, उसमें ना जैसे साइड में यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर नज़र आ रहा है आपको ड्यूप में, सेम इसी तरीके से एक छोटा सा गियर शिफ्ट इंडिकेटर NS के अंदर इन्होंने एड ऑन कर दिया है, जो मुझे लगता है अगेन एक अच्छा काम करा है। नेक्स्ट अगर बड़े अपडेट की बात करी जाए तो वो है भाई उसके अंदर सस्पेंशन, फ्रंट के अंदर यहाँ पे NS के अंदर अब आपको ना USD फोक्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, वही सेम सस्पेंशन है जौन से आपने डोमिनार 250 के अंदर देखी है, डोमिनार 400 के अंदर देखी है, वही सेम सस्पेंशन अब आप लोगों को इन्होंने यहाँ पे NS 200 के अंदर भी दे दिया है, ठीक है? चलो एक और इस बात के लिए हम लाइक करते हैं, अच्छा काम करा है। और फिर टायर्स के मामले में बात करी जाए तो ऐसा उन सब चीज़ों के अंदर यहाँ पे कोई अपग्रेड नहीं हुआ है। नेक्स्ट चीज़ के अंदर जो अपग्रेड करा है वो है भाई नई कलर स्कीम, नई थीम, नया डिज़ाइन। तो NS 200 में आप लोगों को एक नए डिज़ाइन की इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर एक कलर स्कीम दिया, वाइट से कलर की, और न्यू ग्राफिक्स वगैरह भी हैं जो देखने में पर्सनली नो डाउट मेरे को तो बढ़िया भी लग रहे हैं। अगर किसी को लेने का मन है तो मे भी ले सकते हो, आप लोग को ऐसी दिक्कत नहीं है। बट अब अगर यहाँ पर बात करी जाए कि सिर्फ इतना अपग्रेड करना वर्थ है या फिर नहीं है, तो मुझे लगता है कि इतना अपग्रेड बाइक के लिए कम है, के लिए थोड़ा सा अपडेट और चाहिए। जैसे कि इन्होंने अभी भी जो फ्रंट की लाइट्स हैं उनको LEDs नहीं करा है, LED ना करना चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इनकी जो हेलोजन लाइट है वो LED से बेटर है, बट जब बात आती है ना सेगमेंट में कंपटीशन की, कंपैरिजन करने की, हम ही लोग हैं जो कंपैरिजन में कहते हैं भाई NS में आज भी LED लाइट्स नहीं आ रही हैं, जो कि यार सेगमेंट में क्या स्कूटियों में भी आ रही हैं, तो बजाज क्यों नहीं दे रहा है? मुझे लगता है कि यार बजाज को ना ये लाइट्स वाला काम जो वो एक कर देना चाहिए, क्योंकि यार लाइट्स वगैरह तो एक ऐसी चीज़ है, LED दे सकते थे यार ये लोग, इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं दिया है। एक बारी भाई मैं थोड़ा सा गूगल मैप्स देखूं मेरे को जाना किधर है, वैसे तो आपके भाई को रास्ता पता ही है बट फिर भी। और चैन बहुत आवाज़ कर रही है ड्यूक की, यार चैन टाइट करानी पड़ेगी। चुप रह तू, 300 meter टर्न लेफ्ट, हे डॉगी। ओहो ओहो पागल हो गया मैप्स, ठीक है अभी मुझे यहाँ से लेके जा रहा है, अगर मैं यहीं से यू टर्न ना मान लूँ मार लूँ जहाँ से मुझे लेके जा रहा है बेफजूल में इंडिया गेट वाले रास्ते से। हाँ इंडिया गेट से चलेंगे हम अपना मस्त एकदम फुल पावर। चलो जिप लगाते हैं। तो भाई ये अपडेट्स करे इन्होंने, USD कर दिए हैं और
गियर पोजीशन इंडिकेटर डाल दिया है, ब्रेकिंग अच्छी कर दी है, डुअल चैनल एबीएस डाल दिया है। तो भाई देखो, अरे यार मुझे यू टर्न लेना है, प्रीत कितने आ गए पाजी तुसी, एक मिनट। चलो बच गए। तो भाई देखो, ये इन लोगों ने चेंजेस करे हैं जिसमें कि यूएसडी फोक्स वगैरह तीन चार छोटे मोटे चेंज कर दिए हैं। अब भाई प्राइस की बात करी जाए, प्राइस कितना बढ़ाएंगे, तो एग्जैक्टली अभी मेरे को प्राइस का आइडिया नहीं है। प्राइस जो भी होगा स्क्रीन पर डाल दूंगा, कितना बढ़ा रहे हैं कितना नहीं बढ़ा रहे हैं। बट यार NS इससे ज़्यादा अपडेट की ज़रूरत है उसको यार, बाइक को। कोई नहीं कह रहा आप उसकी लुक्स चेंज करो, कोई नहीं कह रहा आप उसके अंदर और कुछ चेंज करो, बट उसके अंदर छोटे छोटे इतने चेंजेस तो कर दो कि यार लेने वाले को ये तो लगे कि यार मैं कुछ चीज़ ले रहा हूँ तो आज की डेट के हिसाब से उसके अंदर सब कुछ है। पावर परफॉर्मेंस है एक नंबर की, चलो हम मानते हैं, नो डाउट, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर की पावर परफॉर्मेंस के मामले में बाइक एक नंबर है, जिस बात में दो राय है ही नहीं। पर यार लाइट्स तो अपग्रेड करनी चाहिए थी, एटलीस्ट टायर्स तो अपग्रेड करने चाहिए थे। टायर्स का जो साइज़ है सब कुछ सेम है, वही अभी भी आपको मतलब 130 सेक्शन का पीछे का टायर दे रहे हैं, नॉन रेडियल टायर दे रहे हैं। वाई बजाज, एक अच्छा टायर बाइक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो 5-10 हज़ार रुपये प्राइस बढ़ा दो, मगर चीज़ें इतनी दे दो कि बंदा अगर 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी पे करे ना तो उसको चीज़ में वर्थ नज़र आए। वो काम नहीं करते बजाज वाले, पता नहीं क्यों। चलो बाकी तो भाई यही है कि इसके अंदर तगड़ा सा या नॉर्मल सा अपडेट आया है, तो मैं तो मानता हूँ कि भाई थोड़ा और काम होना चाहिए था बाइक पे। और ये वाला अपडेट इन्होंने एकदम सडनली निकाल दिया, सडनली बाइक शोरूम पे आ गई है। चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, बजाज को ना चाहते हो मजबूरी में एक अपडेट देना पड़ा है, वो इन्होंने दे दिया है। अब बाकी तो हमें तो यही बात समझ में आ रही है। अब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आप इसको लेना पसंद करोगे या नहीं पसंद करोगे। सो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे लिख के बताओ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अरे 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 अजीब आदमी है भाई, इंडिकेटर देना होता ही नहीं होता है, ना इंडिकेटर देना है ना ORVM खोल रखे हैं। लेजेंड नेवर डाई। तो भाई ये वाला पूरा सीन है NS200 का, थोड़ा बढ़िया सा अपडेट निकाल देते ना यार ये बजाज वाले, तो मुझे लगता है बढ़िया काम हो जाता। पता नहीं क्यों नहीं निकाला इन्होंने, थोड़ा मतलब ऐसा कर देते ना कि जो कस्टमर चाह रहे थे। चलो फिर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। हेलो।